दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया। जैसे गृह मंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, चांद से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर, चीता तक। ये नीरव मोदी को लोन कौन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली बोला। लोन कौन दिया, लोन कौन दिया, कोई गलत। अरे अधीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए, आपके एसी के ऑफिस से फोन करके लोन दिवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं। अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था, उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारे सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर, आप बड़े पे बोलिए, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं। ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते, संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप सर, अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग।